हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सास बुक कुकिंग में स्वागत है। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा, जिसे हम लोग खड़ा प्रसाद भी बोलते हैं। अक्सर हम लोग को घर पे मीठा बनाने में आलस आता है या फिर बाहर से आने में कॉस्टली लगता है, इसलिए आज हम बनाने जा रहे हैं जो सबके घर पे मौजूद होता है, आटे से हलवा, जो 5 मिनट में बिना टाइम वेस्ट किए हुए बन जाएगा। आइए अब हम आटे का हलवा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आटे के हलवे में इस्तेमाल होने वाली सामग्री के बारे में बताऊंगी। जैसे मैंने इधर आधा कटोरी करीब आटा लिया है, तो चीनी भी हमें आधी कटोरी ही लेनी है। आप चाहें, जैसे अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो आप इसे ज्यादा ले सकते हैं, पर कम से कम जितना आटा है उतनी चीनी तो लेनी ही लेनी है। इधर मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है, साथ ही साथ 1/4 स्पून मैंने इलायची पाउडर लिया है, केसर वाला दूध लिया है। मैंने 2 चम्मच दूध में केसर के 2-3 धागे डाल दिए हैं। साथ में साथ मैंने बादाम, काजू और पिस्ता को बारीक बारीक काट लिया है, गार्निशिंग के लिए है। आटे का हलवा बनाने के लिए जितना आटा लिया है उसका 3 गुना पानी लगता है। देखिए, मैंने अपने पैन में 2 बड़े चम्मच घी डाल के इसे गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं आटा डालूंगी आधा कटोरी करीब और इसे ब्राउन होने तक भून लूंगी। इसे लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक पकाना है। देखिए, आप देख सकते हैं मेरा हलवा आधा भून चुका है। अब इसे थोड़ा और डार्क ब्राउन होने तक भूनना है। मेरा हलवा गोल्डन ब्राउन भून चुका था। अब इसमें मैंने आधी कप चीनी और 3 गुना पानी आटे का मैंने डालकर इसमें भूनने के लिए अभी मैंने रख दिया है। चीनी घुलने तक इसे पकाना है, जिसमें 1 मिनट लगता है अगर हम मीडियम आंच से तेज आंच पर पका रहे हैं तो। अगर स्लो आंच पे कर रहे हैं तो 1.5 मिनट से 2 मिनट तक लग सकता है। ध्यान रखें, इसे लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि हमारे डेली ना बने हलवे में। देखिए, अब चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स डालूंगी जो मैंने बारीक बारीक काट के रखे हैं, और साथ ही साथ इसमें मैं केसर वाला दूध डाल दूंगी और इसे 1 मिनट के लिए और पका लूंगी। अब हमारे मेवा डाले हुए 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर मिक्स करके अब हमारा हलवा बनके तैयार है। मैंने पूरे प्रोसेस को मीडियम आंच पे किया है। आप देख सकते हैं मेरा हलवा 5 मिनट में बनके पूरा तैयार है। अब मैं इसे बर्तन में निकाल लूंगी। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा टेस्टी, ये देखिए आटी का हलवा बनके तैयार है। इसमें एक भी ढेला भी नहीं बना और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है और खाने में उतना ही शानदार है।